हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो ये लास्ट चैप्टर है अप्लाइड केमिस्ट्री का, पॉलीमर्स। पॉलीमर्स मतलब बहुलक। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें से भी ज़रूर कुछ ना कुछ पाँच पाँच छः नंबर का ज़रूर पूछा जाता है। तो पॉलीमर्स चैप्टर में सबसे पहले डेफिनेशन, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन आ जाता है वो इसी तरीके से आ जाता है कि व्हाट आर पॉलीमर्स और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। मतलब कभी कभी एक ही क्वेश्चन में पूरा चैप्टर ही पूछ लेते हैं, सारे टॉपिक्स एक ही साथ पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉलीमर्स होते क्या हैं। तो पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी मतलब बहुत, और मर्स मतलब यहाँ मर्स से मीनिंग लिया गया है यूनिट से। तो जब कई सारी यूनिट्स यानी कि इकाइयाँ आपस में जुड़ के एक हाई मॉलिकुलर वेट का मॉलिक्यूल फॉर्म करती हैं, उसको बोला जाता है पॉलीमर्स। मतलब पॉलीमर्स आर द कंपाउंड्स ऑफ वेरी हाई मॉलिकुलर मासेस फॉर्म्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ कॉल्ड स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स। मतलब जब जो है कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कई सारे मॉलिक्यूल्स जिनके रिपीटिंग यूनिट्स मतलब एक जैसे ही मॉलिक्यूल के मतलब सौ से लेके हजारों की संख्या में जब जुड़ते चले जाते हैं, तो उनसे जो हाई मॉलिकुलर वेट का जो मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होता है उसी मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम पॉलीमर। तो पॉलीमर जो है वो कई सारे मोनोमर से मिलके बनते हैं। तो मोनोमर जो यहाँ पे लिया गया है वर्ड, उसका मतलब है एक सिंगल यूनिट। मोनो का मतलब होता है एक, जैसे पॉली का मतलब होता है बहुत, उसी तरीके से मोनो का मतलब होता है एक। तो एक सिंगल यूनिट जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोनोमर से। तो जब मोनोमर कई सारे मोनोमर आपस में जुड़ते चले जाते हैं और एक लार्ज नंबर में जुड़ते चले जाते हैं और एक बड़ा हाई मॉलिकुलर वेट का मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, तो उसी मॉलिक्यूल को बोलते हैं पॉलीमर। जैसे एग्जांपल के लिए पॉलीथीन, तो पॉलीथीन का मतलब ये हो गया कि इसका जो मोनोमर है वो है इथीन। तो कई सारे इथीन मतलब सौ से हजारों की संख्या में जब इथीन इथीन मतलब इथाइलिन जुड़ते चले गए तो उससे बना पॉलीथीन। ऐसे ही पॉलीस्टाइरीन, तो पॉलीस्टाइरीन का मतलब कि कई सारे स्टाइरीन मोनोमर आपस में जुड़ते चले गए और उससे बना पॉलीस्टाइरीन। ऐसे ही पीवीसी, तो ये सारे एग्जांपल आपके अभी आगे इनके स्ट्रक्चर वगैरह भी हैं तो और क्लियर हो जाएंगे। तो मोनोमर के बारे में मैंने बता भी दिया, एक बार और बता देती हूँ। मोनोमर्स क्या हैं? एक लक, एक मतलब एक यूनिट। तो अ सिंपल मॉलिक्यूल विच एक्ट एज अ रिपीटिंग यूनिट टू फॉर्म अ पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। मतलब एक सिंपल मॉलिक्यूल जिसके बार बार रिपीटिंग यूनिट्स जो मतलब बार बार जुड़ने से जो एक पॉलीमर बनता है उसको बोलते हैं हम मोनोमर। दिस प्रोसेस इन विच सिंपल मॉलिक्यूल कॉल्ड मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इन टू पॉलीमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। मतलब ये जो प्रोसेस है जिसमें जो सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं यानी कि जो मोनोमर्स होते हैं, मोनोमर्स आपस में जुड़ के कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलीमर में, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। मतलब पॉलीमर बनाने की जो प्रोसेस होती है, बहुलक बनाने की जो प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन या फिर बहुलीकरण। इसको हिंदी में बोला जाता है बहुलीकरण। तो यहाँ पे भी जैसे मैंने पॉलीथीन का एग्जांपल अभी दिया था, तो पॉलीथीन क्या है कि यहाँ पे इसका पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन का मोनोमर होता है इथीन। तो इथीन के यहाँ पे एन लिखा हुआ है, एन का मतलब नंबर ऑफ मोनोमर होता है। तो एन का नंबर ऑफ मोनोमर का मतलब कि यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं, सौ भी हो सकते हैं, हज़ार भी होते हो सकते हैं, दस हज़ार भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो ये एन नंबर ऑफ इथीन आपस में जुड़ते हैं और पॉलीथीन बना देते हैं। तो ये पॉलीथीन का स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे देख रहे हैं जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिंगल यूनिट मोनोमर की दिखाई गई है। तो यहाँ पे एक सिंगल यूनिट दिखाई जा रही है और ये ओपन बॉन्ड शो करते हैं कि यहाँ पे कई सारे मोनोमर आपस में जुड़े हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एन की जगह पे 100 लिखा होता तो यानी कि 100 यूनिट्स ऑफ इथीन आपस में जुड़ के पॉलीथीन बना दी है। तो ये तो था मोनोमर। इसके बाद तो एक छोटा सा टॉपिक और है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, जो कि जो अभी मैंने एन नंबर के बारे में बताया था कि एन क्या है। तो एन को ही हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। मतलब द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स इन द चेन फॉर्म्ड इन अ पॉलीमर्स इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। मतलब जो एक हाई मॉलिकुलर वेट का जो मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम पॉलीमर बोलते हैं, तो जिसमें जो सिंगल यूनिट जिसकी बार बार रिपीट
हो रही है, यानी कि जो सिंगल यूनिट यानी कि जो मोनोमर बार बार रिपीटिंग यूनिट्स में होते हैं उसी के नंबर को हम शो करते हैं एन से, तो उसी को हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन यानी पॉलीकरण की इकाई कहते हैं। तो जब बार बार रिपीटिंग यूनिट्स के जुड़ने से पॉलीमर बनता है तो वही रिपीटिंग यूनिट्स के नंबर्स को हम बहुलीकरण की इकाई यानी कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स का मतलब बहुलकों का वर्गीकरण। तो इनको जो है फाइव टाइप से क्लासिफाई किया गया है, मतलब पांच चीज़ों के बेस पे जो है पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया गया, इनका वर्गीकरण किया गया। तो जो सबसे पहला है वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति के आधार पर। तो ओरिजिन के बेस पे दो टाइप के पॉलीमर्स होते हैं, एक होते हैं नेचुरल पॉलीमर्स और एक होते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो नेचुरल मतलब जो नेचर से मिले हुए हैं, प्रकृति से मिले हुए हैं। सिंपल सी बात है कि जो हमें प्रकृति यानी कि पेड़ पौधों जीव जंतुओं यानी कि एनिमल्स और प्लांट से जो पॉलीमर्स मिलते हैं तो वो नेचुरल पॉलीमर्स कहलाते हैं, और सिंथेटिक पॉलीमर्स वो कहलाते हैं जो बनाए जाते हैं, जिनको जिनको जो है मैन्युफैक्चर किया जा रहा है लेबोरेटरीज़ में, जिनको सिंथेसिस करके बनाया जा रहा है, यानी कि जिनको मैनमेड यानी कि कृत्रिम पॉलीमर भी कहा जा सकता है, तो वो सिंथेटिक पॉलीमर कहलाते हैं। दीज पॉलीमर्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट एंड एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, नेचुरल रबर, सिल्क, प्रोटीन एट्सेट्रा। सिंथेटिक पॉलीमर्स, दीज पॉलीमर्स आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज, दीज आर मैन मेड पॉलीमर्स, फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन, PVC, सिंथेटिक रबर एट्सेट्रा। तो ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सेकेंड जो बेस है वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मोनोमर्स, मतलब मोनोमर के बेस पे जो वर्गीकरण है वो। तो मोनोमर के बेस पे दो टाइप में बांटा गया है इसको पॉलीमर को, एक होते हैं होमोपॉलीमर और दूसरे होते हैं कोपॉलीमर। तो पहले होमोपॉलीमर के बारे में बता देती हूँ। होमो मतलब समबहुलक, ठीक है, होमो का मतलब होता है सम। तो जब पॉलीमर बनता है जिसमें मोनोमर सेम ही होते हैं, मतलब जितनी भी रिपीटिंग यूनिट्स बन जुड़ती जा रही हैं वो सेम टाइप की हो, कोई भी दूसरा पॉली मतलब मोनोमर ना हो, सेम टाइप के जब मोनोमर आपस में जुड़ते चले जाते हैं तो उनसे बना हुआ पॉलीमर कहलाता है होमो पॉलीमर, यानी कि पॉलीमर फॉर्म्ड फ्रॉम वन टाइप ऑफ मोनोमर्स इज कॉल्ड होमो पॉलीमर। तो जब वन टाइप ऑफ मोनोमर से बनता है पॉलीमर तो उसको हम होमो पॉलीमर कहते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन, PVC, जैसे अभी मैंने आपको पॉलीथीन का स्ट्रक्चर दिखाया था, तो उसमें क्या है कि सारे के सारे जो मोनोमर हैं वो सिर्फ पॉलीथीन मतलब इथीन ही हैं, इथीन के अलावा कोई दूसरा मोनोमर नहीं प्रेजेंट है, तो ये होमो पॉलीमर कहलाते हैं। इसके बाद जो को पॉलीमर हैं, को पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा टाइप के मोनोमर्स होते हैं, मतलब मोनोमर सिर्फ एक ही टाइप के नहीं होंगे, दो टाइप के भी हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स जब प्रेजेंट होते हैं तो वो कहलाते हैं को पॉलीमर। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया नायलॉन 66 और टेरिलीन। इसके बाद जो नेक्स्ट बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना के आधार पर वर्गीकरण। तो संरचना के आधार पे जो वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, वो भी तीन टाइप का है, यानी कि लीनियर, लीनियर मतलब रेखीय, जो सीधा चेन टाइप के जिसमें स्ट्रक्चर बनता है, जैसे पॉलीथीन का स्ट्रक्चर आपने देखा तो एक चेन टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है सीधा, तो इनको लीनियर पॉलीमर कहा जाता है। ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर की वो पॉलीमर जिनमें चेन के साथ साथ में साइड चेन भी लगी होती है, मतलब ब्रांचेज लगी होती हैं, शाखाएँ लगी होती हैं, जिसको हम शाखित श्रृंखला पॉलीमर भी कहते हैं। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, यानी कि आपस में ही इनका जो स्ट्रक्चर बनता है तो वो एक दूसरे से इस तरीके से बॉन्डेड होते हैं कि पूरा एक जाल टाइप का 3D स्ट्रक्चर बन जाता है, 3D स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी वजह से वो क्रॉस लिंक्ड दिखते हैं, तो वो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले लीनियर पॉलीमर्स, इन दीज पॉलीमर्स मोनोमर्स आर लिंक टुगेदर फॉर्म लीनियर चेन, तो लीनियर चेन बनाते हैं तो वो लीनियर पॉलीमर कहलाते हैं। ब्रांच चेन पॉलीमर्स, इन दीज पॉलीमर्स मोनोमर्स आर लिंक टू फॉर्म लॉन्ग चेन विद साइड चेन, मतलब फॉर्म लॉन्ग चेन विद साइड चेन ऑफ डिफरेंट लेंथ, तो वो ब्रांच चेन पॉलीमर्स कहलाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, ग्लाइकोजन एट्सेट्रा. क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, इन दीज पॉलीमर्स मोनोमर्स यूनिट्स आर क्रॉस लिंक टू फॉर्म अ थ्री डायमेंशनल नेटवर्क. तो एक 3D जाल टाइप का बन जाता है, 3D नेटवर्क. इनके स्ट्रक्चर में आपस में इस तरीके से वो कनेक्टेड रहते हैं कि वो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल बैकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड एट्सेट्रा. फोर्थ जो बेस है क्लासिफिकेशन का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, मतलब संश्लेषण के आधार पर. तो संश्लेषण के आधार पर ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एडिशन पॉलीमर और एक होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बारे में अलग से भी शॉर्ट नोट में भी पूछ लिया जाता है कि एडिशन पॉलीमर्स क्या हैं और कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या, और इनके एग्जाम्पल वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं. तो एडिशन सबसे पहले बताती हूँ, एडिशन पॉलीमर्स. एडिशन पॉलीमर्स को हिंदी में बोला जाता है योग बहुलक. तो नाम से ही समझ में आ गया होगा कि एडिशन मतलब योग, यानी योगात्मक. तो जब पॉलीमर आपस में कम्प्लीटली जुड़ जाते हैं, पॉलीमर के जो मोनोमर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पॉलीथीन को ले लें, तो पॉलीथीन के जो इथीन मोनोमर होते हैं वो कम्प्लीटली आपस में जुड़ते चले जाते हैं विदाउट एनी एलिमिनेशन, मतलब किसी भी तरीके का प्रोडक्ट जो है एलिमिनेट नहीं होता है. जैसे आपस में इथीन जो है वो पूरे कम्प्लीटली जुड़ते चले जाते हैं, कोई भी छोटा मॉलिक्यूल, फॉर एग्ज़ाम्पल H2O हो गया, NH3 हो गया, या H2S गैस होगी, किसी भी टाइप की ना गैस रिलीज़ होगी, किसी भी तरीके का कोई भी बाई प्रोडक्ट रिलीज़ नहीं होता, और पूरा पूरा जो मोनोमर होता है वो कम्प्लीटली जुड़ते चले जाते हैं. तो उन पॉलीमर को कहा जाता है एडिशन पॉलीमर्स, यानी कि योगात्मक बहुलक. दीज आर द पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाई डायरेक्ट एडिशन ऑफ रिपीटिंग मोनोमर्स विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, बाई प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन, PVC एट्सेट्रा. तो एडिशन पॉलीमर में मोनोमर कम्प्लीटली जुड़ते चले जाते हैं, कोई भी छोटा मॉलिक्यूल नहीं रिलीज होता है. कंडेंसेशन पॉलीमर्स, कंडेंसेशन पॉलीमर्स वो होते हैं कि जैसे आपको एडिशन के बारे में बता दिया, एडिशन में कम्प्लीटली जुड़ते चले जाते हैं. यहाँ क्या होता है कि जो मोनोमर होते हैं वो ऐड होते हैं, लेकिन साथ में छोटे मॉलिक्यूल लाइक H2O, NH3 और HCl, ये रिएक्शन होते टाइम ये रिलीज होते हैं. यानी कि कंडेंसेशन पॉलीमर जब बनते हैं तो एलिमिनेशन होता है सिंपल मॉलिक्यूल का. तो रिएक्शन जब होगी तो मोनोमर आपस में जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद जो छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल H2O, NH3, HCl, ये रिएक्शन होते टाइम रिलीज होते हैं. तो उनको हम संघनन बहुलक या फिर कंडेंसेशन पॉलीमर्स कहते हैं. दीज पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाई कंडेंसेशन ऑफ टू और मोर मोनोमर्स मॉलिक्यूल विद द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक H2O, NH3, HCl एट्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल बैकेलाइट, नायलॉन 6,6 एट्सेट्रा. इसके बाद जो फिफ्थ टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर फोर्सेज, यानी कि आणविक बलों के आधार पर. तो आणविक बलों के आधार पर जो है वो चार टाइप के पॉलीमर्स हैं, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग. ये जो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग है, इनके कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लिए जाते हैं, तो उनको ठीक से समझ लीजिएगा. तो ये जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है. तो इलास्टोमर्स मतलब इलास्टिसिटी, वो पॉलीमर जो रबर लाइक दिखते हैं, मतलब जिनमें इलास्टिसिटी होती है, यानी कि लचीलापन जिनमें होता है, उन पॉलीमर्स को बोलते हैं हम इलास्टोमर्स. तो इनके बीच में जो फोर्सेस, मतलब जो इनकी चेन बनती है, इनकी चेन के बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो होते हैं वीक वांडरवाल फोर्सेस. दीज पॉलीमर्स हैव रबर लाइक इलास्टिक करेक्टर. इन इलास्टोमर्स द पॉलीमर्स चेन आर हेल्ड टुगेदर बाई वीक वांडरवाल फोर्सेस. फॉर एग्जाम्पल नेचुरल रबर. सेकेंड है फाइबर्स. फाइबर्स मतलब रेशे. रेशे से मतलब है कि जैसे कॉटन है वो भी एक पॉलीमर है, सिल्क है वो भी एक पॉलीमर है, नायलॉन है, नायलॉन भी एक पॉलीमर है. तो इनके बीच में जो पॉलीमर के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की होती है, मतलब जो उनकी चेन होती है उनके बीच में जो बॉन्डेड रहते हैं वो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं. दीज पॉलीमर्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द चेन्स. दीज फोर्सेज आर हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं. दीज पॉलीमर्स आर लॉन्ग, थिन एंड थ्रेड लाइक, मतलब जो लंबे होते हैं, पतले होते हैं और रेशे की तरह दिखने वाले, धागे की तरह दिखने वाले होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिल्क, नायलॉन 6,6 एट्सेट्रा. नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक मतलब
ये पॉलीमर वो होते हैं कि जिनको अगर हीट किया जाता है तो हीट करने पे ये सॉफ्ट हो जाते हैं और ठंडा करने पे ये हार्ड हो जाते हैं। मतलब देखा होगा कि आपने कुछ प्लास्टिक है, अगर उसको जलाया गया तो वो एकदम पिघलने लगती है, मुलायम सॉफ्ट हो जाती है, और उसको अगर ठंडा करते हैं तो वो हार्ड हो जाती है। और इनको जो है किसी भी सांचे में किसी भी तरीके से इनको मोल्ड किया जा सकता है, जैसे पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, तो ये थर्मोप्लास्टिक है। जस्ट इसका अपोजिट जो है वो है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग में क्या है कि ये जो पॉलीमर होते हैं इन ये अगर इनको मतलब हीट किया जाता है तो हीट करने पे ये और ज़्यादा क्रॉस लिंक्ड हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं और इनफ्यूजिबल, मतलब गलते नहीं हैं, अगलनीय हो जाते हैं, तो ये कहलाते हैं थर्मोसेटिंग। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बिजली के स्विच बोर्ड बनाए जाते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर वो हीट पकड़ते हैं तो वो पिघलते नहीं हैं और ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, तो जिससे जो है आग लगने की संभावना नहीं होती है। तो ये थर्मोसेटिंग जो पॉलीमर्स होते हैं ये हीट देने पे, मतलब हीट में जो है और ज़्यादा क्रॉस लिंक्ड और हार्ड हो जाते हैं। जस्ट इनके अपोजिट जो है वो जो थर्मोप्लास्टिक हैं वो क्या होते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, और सॉफ्ट होने के बाद अगर उनको कूल करते हैं तो वो और हार्ड हो जाते हैं, और उनको किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। और जो थर्मोसेटिंग होते हैं उनको किसी भी शेप में नहीं ढाल सकते हैं ऐसे हीट करने पर। तो इनके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं बेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड एट्सेट्रा। तो ये तो था क्लासिफिकेशन पॉलीमर्स का। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्लासिफिकेशन, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।